राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचें पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम चुनौती का सामना करना। ये एक छोटी सी लड़की के निश्चय की सच्ची कहानी है। जब सरस्वती 12वीं कक्षा में थी तब अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वो एक दुकान में काम करते थे। उस समय उसका भाई लक्ष्मण 8वीं कक्षा में था। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी मां जड़ सी बन गई थी। ऐसा लगा कि उनका जीवन एकदम रुक गया हो, क्योंकि परिवार में वे एकमात्र कमाऊ व्यक्ति थे। सरस्वती ने अनुभव किया कि उसे ही कुछ करना होगा। उसने निश्चय कर लिया और वो नौकरी ढूंढने लगी, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार की नौकरी क्यों ना हो। अपनी प्रधानाध्यापिका की सहायता से उसे एक महिला के घर आया की नौकरी मिल गई। चूंकि उसका स्कूल सुबह 6:30 से प्रारंभ होकर दोपहर 12 बजे तक रहता था, इसलिए वो 12:30 तक काम पर पहुंच जाती थी। उसकी मालकिन ये जानते हुए कि वो पढ़ती है, उससे दयापूर्ण व्यवहार करती थी। सरस्वती बड़े प्यार से उनके बच्चे की देखभाल करती थी और थोड़े ही दिनों में वो उनसे इतना हिलमिल गई कि परिवार का एक सदस्य मानी जाने लगी। उसका व्यवहार बड़ा मृदु था। घर के काम वो बड़े ध्यान और सावधानी से करती थी। उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, पर उसकी मां भी अचार और पापड़ बनाकर बेचती थी, जिससे उन्हें कुछ और आमदनी हो जाती थी। उसी शहर में वो एक छोटे से घर में रहने लगे। उस घर में एक कमरा था और पानी की कोई व्यवस्था न थी। उन्होंने कठिनाइयों का सामना बड़े धैर्य से किया। सरस्वती रात को जब 9 बजे लौटती तो बिल्कुल थकी हुई होती। उसकी मां उसके आने की राह देखती रहती। फिर दोनों मिलकर खाना खाते समय सरस्वती अपनी मां को पूरे दिन की बातें बताती। उसके बाद वो अपने स्कूल का काम करती और फिर आगामी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाती। ये बहुत कठिन काम था, पर न जाने कहां से उसको शक्ति मिलती थी। उसका भाई 8वीं कक्षा में ठीक से पढ़ रहा था। वो अपनी बहन के कामों की तरफ ध्यान तो नहीं देता था, परंतु वो किसी भी रूप में उनके लिए समस्या नहीं था। उल्टे वो घर के कामों की दौड़ धूप में तथा पापड़ और अचार को बेचने में अपनी मां की सहायता करता था। जल्दी ही सरस्वती ने अच्छे अंक प्राप्त कर 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अपनी मालकिन की सहायता से उसे टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी भी मिल गई। उसके दुर्दिन अब समाप्त हो रहे थे, लेकिन उसे अब भी कई घंटों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और नई बातें सीखनी पड़ती थीं। जल्दी ही वो इतनी कुशल, ईमानदार और अच्छी सिद्ध हुई कि हर कोई उसे चाहता था। 2-3 साल के अंदर उसने प्राइवेट रूप से बीए की परीक्षा भी बड़ी सफलता से उत्तीर्ण कर ली। अब
वो एक स्नातक थी। सदा से ही उत्साही, उसने अपने मोहल्ले और गरीबों की आवश्यकता पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। समय मिलने पर वो अंध विद्यालय जाती और नेत्रहीनों को पुस्तकें पढ़कर सुनाती। उसने समाज में हो रहे अन्याय, कुरीतियों तथा नागरिकों के व्यवहार पर लेख लिखे और समाचार पत्रों में छापने के लिए भेजे। उसका जीवन पूर्णता लिए हुए था। इसी बीच वो चुपचाप एमए की तैयारी भी कर रही थी। ठीक इसी समय सरस्वती को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। लक्ष्मण ने अपनी 12वीं की परीक्षा 72% अंकों से उत्तीर्ण कर ली थी। सरस्वती और उसकी मां दोनों ही प्रसन्न थे, किंतु अब लक्ष्मण की आगे की पढ़ाई को लेकर सरस्वती को बहुत चिंता थी। लक्ष्मण तो विज्ञान के महाविद्यालय में दाखिला लेकर बीएससी करना चाहता था, किंतु अनेक स्नातकों को बेरोजगार देखकर सरस्वती को लगा कि लक्ष्मण को कोई ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जिससे उसे नौकरी मिल सके। उसने अपने मित्रों से सलाह ली और उन्होंने उसे सुझाया कि लक्ष्मण के लिए उचित यही होगा कि वो शहर की पॉलिटेक्निक संस्था में प्रवेश ले ले। सरस्वती एक बार उस संस्था को देखने गई और उसी समय उसने निर्णय ले लिया कि यही लक्ष्मण के लिए उचित स्थान था। वहां 3 वर्षों के बाद एक डिप्लोमा दिया जाता था, परंतु अंत में यांत्रिक तथा विद्युत कारखानों में प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता था। लक्ष्मण को विश्वास दिलाना बड़ा कठिन था, क्योंकि अन्य कई व्यक्तियों के समान वो भी यही सोचता था कि कॉलेज की उपाधि कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और उसके सारे मित्र कॉलेज में प्रवेश ले रहे थे। परंतु सरस्वती के मनाने का एक अपना ढंग था। वो अपने निश्चय पर अटल रही। उसने लक्ष्मण से आग्रह किया कि वो एक बार स्वयं उस स्थान पर जाए। वहां जाकर देखने पर लक्ष्मण ने भी प्रवेश लेना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे मशीनों से काम करना बहुत अच्छा लगता था। चूंकि उसे परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिले थे, इसी कारण उसे प्रवेश के साथ छात्रवृत्ति भी मिली। सरस्वती फूली ना समाती थी। एक ही साल में लक्ष्मण ने अनुभव किया कि उसने सही चुनाव किया था, क्योंकि वहां उसने तरह तरह की कुशलता प्राप्त की और पाठ्यक्रम के समाप्त होते ही उसे एक ऐसी फर्म में शिक्षार्थी के रूप में ले लिया गया जो मशीन के पुर्जे बनाती थी। वो बड़ा अच्छा मैकेनिक था और उसकी काफी पूछ थी। हमारे देश को मैकेनिक, फिटर, बिजली मिस्त्री जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि मेज कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले उन व्यक्तियों से किसी भी बात में श्रेष्ठ नहीं होते जो हाथों से काम करते हैं। सरस्वती ने भविष्य के और सपने संजोए थे। उसे आशा थी कि भविष्य में वो अपनी स्वयं की एक छोटी सी दुकान खोल सकेगी, क्योंकि वो जानती थी कि सरकार उन उद्यमशील उत्साही नौजवानों को कर्ज दे रही है जो अपना छोटा उद्योग प्रारंभ करना चाहते थे। उसने निश्चय कर लिया कि वो अपने भाई की अवश्य सहायता करेगी। इस बीच सरस्वती अपने जीवन से संतुष्ट थी। उसका जीवन उसके टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी को लेकर, समाज सेवा को लेकर, अपने भाई की नौकरी तथा घर में आती अतिरिक्त आय को लेकर संतुष्ट था। अब वो थोड़े बड़े घर में रहने लगे। उसकी मां शरीर से कमजोर थी,
पर उनका दिल कमजोर ना था। उन्होंने पापड़ तथा अचार बनाकर बेचना बंद कर दिया, पर अपने परिचितों के लिए अवश्य बनाती और अपने बच्चों के लिए खाना बनाना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो भी अपनी माँ के हाथ से बने खाने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते। माँ के हाथ से बने खाने के सामने उनको हर वस्तु फीकी लगती थी। क्या ये सच नहीं है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो यही चाहते हैं कि कॉलेज जाएं, उपाधि प्राप्त करें और फिर नौकरी ढूंढें? क्या ये भी सच नहीं है कि वास्तव में विश्वविद्यालय की उपाधियां हमें किसी खास काम के लिए तैयार नहीं करती? ये एक आम विचार है कि बढ़ई या मोटर के पुर्जे के मैकेनिक होने की अपेक्षा किसी बैंक में क्लर्क होना अच्छा है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल बेतुकी बात है? हर समाज को अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले नागरिकों की आवश्यकता होती है, और यदि तुम हाथ के कार्यों में कुशल हो तो तुम निसंदेह एक अच्छे बढ़ई होने का अथवा बागवानी का प्रशिक्षण ले सकते हो। इस प्रकार के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कई संस्थाएं हैं। जब तुम 12वीं या 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लो तब ये बात तुम्हें ध्यान रहे, क्योंकि फिर तुम्हें अपने लिए उपयुक्त पेशा चुनना होगा। चुनौती का सामना करना। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनिंकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।